वहीं सपा के पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने पीलीभीत के पूरनपुर में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि देश भर में अराजकता का माहौल पैदा करने वाली भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। पश्चिमी यूपी रिकॉर्ड मतदान होने की स्थिति साफ हो गई है कि आने वाली सरकार समाजवादी की होगी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। वे भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने दलितों को, पिछड़ों को कोई भी सम्मान नहीं दिया। भाजपा ने युवाओं को नौकरी देने के बजाय बेरोजगारी दी। बीजेपी के लोग बौखला गए हैं, ना तो उनकी सभाओं में भीड़ हो रही है। आज तीसरा चरण का चुनाव हो रहा है और समाजवादी पार्टी दो ही चरण में 100 सीटें जीत चुकी है। आवाज 50 सीटें, 150 सीटें जो है तीन चरण में पूरा हो जाएगा। चौथे चरण में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी और तीन चरण का जो सीट रहेगा वो बोनस होगा, उत्तर प्रदेश जनता देने जा रही है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो चुनाव शुरू हुआ और जिस प्रकार से किसान, नौजवान और सभी लोग जो है अल्पसंख्यक सभी लोग एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बोल भी बिगड़ गए हैं। बीजेपी